कि सोल ने भी जिस तरीके का हम गेटकीपी बात कर रहे थे वही करने की शुरुआत यहाँ पे कर दी है, बिकॉज सोल पहले जोन के अंदर पहुंची तो गॉडले के प्लेयर्स को कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फियर्स इन्होंने कहीं के टोटल किया था टीम सोल को, वो इस समय नॉक आउट देखने को मिलेंगे। नियो को पिक करने की पूरी कोशिश, डैमेज काफी ज्यादा दे चुके हैं, बट इवेंचुअली अक्षत उन्हें पिक करेंगे और देखते ही देखते टीम सोल अपना रास्ता साफ करती हुई दिखेगी। बैक एंड पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन सामने रिवेंज ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। और लीजिए नियो अनफॉर्चुनेटली नॉक आउट होते हुए दिखेंगे। जी हाँ, डैमेज बहुत ही ज्यादा दे दिया गया था उनके चलते और लीजिए एक अच्छा खासा नॉक आउट निकल के आ चुका है। बट बैक एंड पे अगर देखिए तो न्यूमन भी काफी प्यारा सपोर्ट कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट टीम सोल को, बट या एट द एंड यू हैव टू सर्वाइव। अगर आप एक चिकन निकाल के लिए आ जाते हैं यहाँ पे तो कहने की काफी बेहतरीन एक शुरुआत देखने को मिलेगी। फ्रूट जूस आप बात करिए उनकी या फिर आप बात करें अमन की, तो वो एक अलग अलग एंगल को होल्ड करने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे। वहीं रेक्स की बात करी जाए, तीन अच्छे एलिमिनेशन इनके पास है, सेविटार इस भी अपने